अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टेक्निकल आर्केव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट की आरडीपी किस तरीके से क्रिएट करनी है। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये एक यूनिक तरीका है माइक्रोसॉफ्ट की आरडीपी क्रिएट करने का। तो फ्रेंड्स, ये जो आरडीपी होगी ये रिमोट डैशबोर्ड कनेक्शन में ओपन नहीं होगी, ये आपके क्रोम ब्राउजर में ही ओपन होगी। तो आप इसको 30 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि क्विक लैब की जो आरडीपी है वो आप एक दफा मतलब समझ लें कि 1 घंटा 30 मिनट यूज करते हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट की मैं आपको आरडीपी बताऊंगा ये 1 दिन में आप 3 घंटे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमें क्विक लैब की आरडीपी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आरडीपी मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रिएट फ्री आरडीपी, इस पे भी काफी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो है ना वो परमानेंट आरडीपी का बताएं। तो फ्रेंड्स, कोई भी परमानेंट आरडीपी जो है वो आपको ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई वेबसाइट देती है, ना कोई अपना सर्वर बना के देता है। ये आपको जो आरडीपी मिलती है वो 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए ही या 1 महीने के लिए मिलती है। ठीक है, गूगल क्लाउड जो है वो आपको 3 मंथ के लिए आरडीपी फ्री में देता है। ठीक है, अमेजोन जो है वो 12 मंथ के लिए देता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको 1 GB से ऊपर रैम मिलती ही नहीं है, तो उसका फायदा ही नहीं होता। लेकिन आज की जो वीडियो उसमें आपको 12 GB की जो है वो रैम मिलने वाली है, और प्रोसेसर जो है वो भी 8 कोर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, काफी दोस्तों के ये भी मैसेज थे कि हमारी जो विंडो 10 का ब्राउजर है वो हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो विंडो है वो भी विंडो 10 है। तो ये देखिये, मैं माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी भी विंडो 10 है। अगर मेरा वर्क कर रहा है तो आपका क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी जो विंडो 10 है, ये देखिए आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड शो हो रहा है। ये देखिए मेरी विंडो 10 है। अगर आपको कोई भी मसला आता है, ये देखिए मेरी विंडो 10 प्रो है, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ, मेरी विंडो 10 प्रो है। तो मेरा अगर ऑन हो रहा है, मेरी आरडीपी मेरे ब्राउजर में चल रही है, तो आप क्यों नहीं चल रही, आप ऐसा करें अपने ब्राउजर को अनइंस्टॉल करें और दोबारा न्यू वर्जन के साथ इसको इंस्टॉल करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे मेरी न्यू वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको जो है फर्स्ट कमेंट में जो है मैं एक लिंक पिन कर दूंगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और ये वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें साइन अप टू लॉन्च वीएम मोड, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और साथ में आपने क्या करना है, एक न्यू टैब के ऊपर आपने ओपन कर लेना है mail.tm। तो सिंपली जो है आपको पता है कि mail.tm के ऊपर आपने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, आपने इस पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, किसी भी नेम से आपने जो है अकाउंट क्रिएट कर लें। इसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका टेम मेल जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है ये वाला। तो कह रहा है ये ऑलरेडी है, तो मैं इसको 1-2 कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारा जो mails.tm का जो मेल है वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसको कॉपी करते हैं और क्रिएट 1 के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ईमेल को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो है हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तो जल्दी से हम वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखें जो आपकी टेम्प मेल है, यहाँ पे एक मेल आएगी, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टीम की तरफ से एक मेल आ चुकी है। इसमें आपको एक कोड मिलेगा, ये आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना है, डन। डन, ये आपको कैप्चर जो है वो फिल करना पड़ेगा। ये देखें तो आपका जो देखें अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है,
और आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी बन चुका है। काफी दोस्तों को यह यहाँ पे ही मसला आता है कि उनसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बनता, वो कहते हैं कि सर हमसे नंबर मांगते हैं। तो देखिए आपके सामने किसी ने भी कोई भी नंबर नहीं मांगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी नेम लिख दे, तो मैं ऑफिशियल। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप मेरी किसी भी कंट्री से वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये देखें फर्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपने बिगनर पे क्लिक करना है, इसको दोबारा नेक्स्ट कर दें और विंडो के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो ये देखिए कंग्रेचुलेशन यू हैज बीन क्रिएट योर प्रोफाइल। उसके बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें लोडिंग वर्चुअल मशीन। उसके बाद लॉन्च वीएम मोड आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दोबारा जो है तो अपील के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपको ये देखें वेरीफाई योर अकाउंट आपको बोलेगा, तो यहाँ पे आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। तो इसको आपने वेरीफाई कर देना, डन। ये आपको कैप्चर जो है वो फिल लाजमी करने पड़ेंगे। अगर आप कैप्चर फिल नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, डन कर दें। तो ये देखें आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। तो अभी ये देखें आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो सेटअप हो रही है। ये देखें लोडिंग योर लैब, प्लीज वेट। तो फ्रेंड्स ये देखें आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो रेडी हो चुकी है। अभी ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है। आपने क्या करना है, रिसोर्सेज में आना है, उस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखें पासवर्ड आपको नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कैसे आप पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। कैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो है विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है और आपकी RDP जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप 3 घंटे के लिए यूज कर सकते हैं पर डे, लेकिन ये देखें 4 घंटे मतलब 4 घंटे जो है आपके पास रिमेनिंग पड़े हुए हैं डेली की। आप 4 घंटे RDP यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अभी मैं आपको जो है इसकी स्पेसिफिकेशन भी दिखा देता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो मैं सबसे पहले अपना थीम में आते हैं, डैशबोर्ड आइकन, और इसको हम निकालते हैं यहाँ से बाहर, अप्लाई ओके। उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स ये देखें विंडोज सर्वर 2016 है और ये देखें इंस्टॉल रैम जो है वो 12 GB है। 12 GB की आपको RDP फ्री में मिल रही है, वो भी डेली के 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे जो है आप बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स या जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो क्विक लैब यूज करते हैं। क्विक लैब में क्या होता है कि आपकी जो RDP होती है वो 1 घंटा 30 मिनट के लिए आपको मिलती तो जरूर है, लेकिन वो 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट यूज होती है। उसके बाद दोबारा फिर आपको क्रिएट करनी पड़ती है। तो आप अगर आप यही यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखें 12 GB की आपको रैम मिली है, विंडो जो सर्वर आपको मिला वो 2016 मिला है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये देखें मैंने इसको 10 से 15 मिनट यूज किया है। देखिए अभी जो रिमेनिंग टाइम रह चुका है वो 3 hours 37 minutes रिमेनिंग। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जो है 4 घंटे वाली RDP बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।